आज मैं आपको बायोटेक की इंट्रोडक्शन दूंगी कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली होता क्या है और उसके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स क्या हैं और बायोटेक्नोलॉजी का डिफरेंट फील्ड्स में क्या यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। बायोटेक्नोलॉजी में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर सब्सटेंस का, उन ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से किसी भी सब्सटेंस का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम किसी भी प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकें या फिर हम प्लांट्स और एनिमल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसको वायरस रेजिस्टेंस बना सकते हैं, उसमें कोई भी जीन इंसर्ट करके, या फिर हम उसको डिजीज रेजिस्टेंस बना सकते हैं। इसी तरह से एनिमल में जो है उनकी ब्रीड की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या फिर मिल्क प्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अनदर जो डेफिनेशन हो जाती है उसमें ये है कि हम कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करें जो कि स्पेसिफिक यूज़ में आए, जैसे कि एंजाइम प्रोडक्शन करें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करें, या फिर वो एसिड्स प्रोड्यूस करें। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट अगर हो जो कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिट्स हों तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी की में आता है। अब है डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो डिफरेंट टाइप्स हैं या जहाँ पे यूज़ होती है बायोटेक्नोलॉजी, जैसे एग्रीकल्चर बायोटेक है, मॉलिक्यूलर बायोटेक है, एनिमल बायोटेक, एनवायरनमेंट बायोटेक, इंडस्ट्रियल बायोटेक, देन जेनेटिक इंजीनियरिंग, मेडिकल बायोटेक, फूड एंड बेवरेजेस। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे बायोटेक का यूज़ होता है। अब है कि एग्रीकल्चर बायोटेक, एग्रीकल्चर बायोटेक में क्या होता कि हम बायोटेक का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, और वो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि फूड का प्रोडक्शन हो सके, ताकि फाइबर को प्रोड्यूस किया जा सके, या फिर कुछ भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब एग्रीकल्चर और अनदर जो एप्लीकेशंस हैं वो ये है कि हम न्यू हॉर्टिकल्चर या ऑर्नामेंटल प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया कि इंसेक्ट या वायरस या डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट्स बना सकते हैं, और एडिबल वैक्सीन्स भी हम एग्रीकल्चर फील्ड में बायोटेक के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर हम कुछ डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, मान लो हमें यील्ड को इंक्रीज़ करना है किसी भी प्लांट की, तो हम उसमें फॉरेन जीन को डाल देंगे जिससे कि जो यील्ड रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उससे क्या होगा कि जो यील्ड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट फील्ड है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोटेक का यूज़ कर सकते हैं एनिमल्स को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर वो जो जैसे मिल्क प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, या चीज़ ये भी एक प्रोडक्ट हो जाता है एनिमल का, तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अनदर जो एप्लीकेशन मैंने अभी बताई कि हम मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसी तरह से हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिट्स हों, और हम कुछ ऐसे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब हम जो एग है या स्पर्म है उनको हम आउटसाइड यानी लैब कंडीशंस में फर्टिलाइज करवा रहे हैं, तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और तो इस टेक्निक को यूज़ करके हम कोई भी पर्टिकुलर जो ब्रीड होती है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अनदर जो फील्ड है वो है मॉलिक्यूलर बायोटेक। मॉलिक्यूलर बायोटेक में हम जेनेटिक मेकअप यानी कि जो उसका डीएनए है या डीएनए में हम कोई भी चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो ये मॉलिक्यूलर बायोटेक में आता है। उसके हम स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं और उसके पार्ट्स ऑफ सेल्स में चेंजिंग कर सकते हैं। फिर एक अनदर फील्ड आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यही होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसी भी सेल की वो चेंज हो जाती है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन सेल लेते हैं, फॉरेन जीन लेते हैं, उसको हम इंसर्ट करते हैं पहले वेक्टर के अंदर और फिर वेक्टर को इंसर्ट करते हैं होस्ट के अंदर। तो ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें हम फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं होस्ट के अंदर। तो इसमें यही बताया गया है जो भी हमें डिज़ायर्ड ट्रेट चाहिए उसको हम एक ऑर्गेनिज्म जो है उससे आइसोलेट करेंगे, देन कट करेंगे, और कट करने के बाद हम पहले उसको वेक्टर में डालेंगे और वेक्टर से फिर हम उसको अनदर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अनदर जो फील्ड है वो है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में भी जीन थेरेपी जो होती है वो डिजीज़ के लिए यूज़ होती है, तो ये बायोटेक का यूज़ हुआ है मेडिकल में। और बायोफार्मिंग का मतलब होता है कि अगर हम जो भी हमने ऑर्गेनिजम्स कल्चर किए हैं तो उनसे क्या प्रोड्यूस हो, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जो भी
मतलब मेडिसिन वगैरह हैं, ड्रग्स वगैरह वो प्रोड्यूस हो सकें, तो वो होती है बायो फार्मिंग। और बायो फार्मिंग में क्या यूज़ होता है कि एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कम्बिनेशन होता है। अनदर फील्ड है इन्वायरमेंट बायोटेक। इन्वायरमेंट बायोटेक में जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस होती हैं वो यूज़ की जाती हैं ताकि एक गुड इन्वायरमेंट कंडीशन बन सकें, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे कंटामिनेशन प्रेजेंट होती है, जैसे हैवी मेटल कंटामिनेशन होती है वो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, जो आपकी ह्यूमन हेल्थ के लिए या फिर एनिमल की हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो इसमें एक टर्म आती है बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन में हम क्या करते हैं, कोई भी नेचुरल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं ताकि ये जो हैवी मेटल कंटामिनेशन है ये रिमूव हो सके, या फिर जो भी अनदर टाइप के कंटामिनेशन है उसको रिमूव किया जा सके। तो इसके लिए हम जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ करते हैं। फिर कुछ इमीनो एसिड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ताकि हम देख सकें कि सॉइल के अंदर कौन से कंटामिनेंट प्रेजेंट है, वाटर में कौन से हैं और ब्लड में कौन से हैं। देन अनदर फील्ड है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में जो बायोटेक का यूज़ होता है वो अल्कोहल एंड बियर प्रोडक्शन के लिए होता है। इसी तरह से एसिड्स, विटामिन एंड इंजाइम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है और फिर ये सब प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। देन फूड एंड बीवरेजेस, ये एक अनदर फील्ड है। फूड एंड बीवरेजेस में ईस्ट का यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, इसी तरह बियर एंड वाइन प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब कुछ जो एग्ज़ाम्पल हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे फ्लावर सावर टमाटो। जो फ्लावर सावर टमाटो था इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये प्रोड्यूस किया गया था। और जनरली क्या होता है, टमाटो जो होता है वो राइपन हो जाता है अर्लियर, तो जिसकी वजह से इसको ट्रांसपोर्ट करते टाइम वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इस टमाटो की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए इसको इंजीनियर किया गया था। तो एक एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजी का। अनदर है डॉली शिप। डॉली शिप भी ये एग्जांपल आता है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ये भी बायोटेक के थ्रू प्रोड्यूस की गई थी। एंड हम जो है बेनिफिशियल बैक्टीरिया को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन देते थे वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए गए ताकि वो हार्मफुल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर सकें। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में।